हेलो फ्रेंड, आइए। जो पहले वीडियो में जिस पर हमने चर्चा किया 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में, उसका अगला यहाँ से अगला पार्ट शुरू करते हैं। कारण की बात कर रहे थे, जिसमें 1857 का जो कारण होता है, सबसे जिसको ये कहें कि तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण होता है चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। और इसमें जो पहला जो विद्रोह होता है, तो वो कहाँ होता है, दमदम में जो है, दमदम के सैनिकों ने जो है इस कारतूस को का प्रयोग करने से इन्होंने मना कर दिया। कारतूस का प्रयोग करने से, चूंकि ये जो कारतूस बनाए जाते थे दमदम में बनाए जाते थे, सियालकोट और अंबाला, सियालकोट अंबाला, ये तीन जगह जो है, अंबाला आपका हरियाणा में हो जाएगा, सियालकोट आपका पाकिस्तान में हो जाएगा, और दमदम हो जाएगा बंगाल में, ठीक है। तो ये सारे स्थान के बारे में भी जानते रहिएगा, जब स्थान के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो पहला जो विद्रोह होता है वो दमदम में होता है, और उसके बाद इस विद्रोह में जो पहला सैनिक विद्रोह किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे ये 34वीं रेजिमेंट का जवान होता है, किस रेजिमेंट का, तो 34वीं रेजिमेंट का, ठीक है, ये जानते रहिएगा जब भी पूछा जाएगा, 34वीं रेजिमेंट का जवान होता है। और बैरकपुर में ये विद्रोह होता है, कहाँ होता है, तो बैरकपुर में, बैरकपुर, ठीक है। मंगल पांडे ने दो अंग्रेजों कैप्टन बग, की इसने हत्या कर दी, और सार्जेंट ह्यूसन, की इसने को गोली मार दी, ये घायल हो जाता है, मरता नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी हत्या की थी मंगल पांडे ने, तो कैप्टन बक की हत्या की, और किसको गोली मारी, तो सार्जेंट ह्यूसन को इसने गोली मारी थी, ये जानते रहिएगा, पूछा जाता है, थोड़ा सा डीप में जाएगा, अंदर जाएगा तो ये क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो अंतर जानते रहिएगा, किसकी हत्या की है और किसको गोली मारी है, दोनों का अंतर जानते रहिएगा। तो ये पहला विद्रोह होता है। वैसे धार्मिक विद्रोह की बात करें कि पहला धार्मिक विद्रोह कौन सा कब होता है, तो 1806 में ही हो जाता है पहला धार्मिक विद्रोह। कब होता है, तो 1806 में ये धार्मिक विद्रोह होता है, कानों में बलिया माथे पे तिलक लगाना, इस बात को लेकर पहला विद्रोह कब होता है धार्मिक विद्रोह, 1806 में होता है बेल्लौर का, ठीक है। तो ये कभी पूछा जाए आपसे तो बता सकते हैं आप। तो मंगल पांडे थे कहाँ के, तो ये बलिया के नगवा गांव के थे, ठीक है, यहाँ के थे। और इन्होंने ही जो है पहली बार 1857 की क्रांति में विद्रोह किया। वैसे इस क्रांति का जो दिन निश्चित किया गया था, तो वो दिन था 31 मई। कौन सा दिन डेट निश्चित किया गया था, तो 31 मई की डेट निश्चित की गई थी। लेकिन सैनिकों का जो असंतोष होता है वो 10 मई को ही फूट गया, यानी निर्धारित समय से पहले ये विद्रोह हो जाता है। इसकी तिथि निश्चित क्या की गई थी, 31 मई, और इसमें जो प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया था वो कौन सा प्रतीक चिन्ह होता है, तो रोटी और कमल, ये दो प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया था। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो आप बता सकते हो कि 1857 की क्रांति का प्रतीक होता है रोटी और कमल। और इस रोटी और कमल को बांटने की जिम्मेदारी किसे दिया गया था, तो अजीजन बाई नामक एक वेश्या को, अजीजन बाई नामक एक वेश्या होती है, और इसी को जो है रोटी और कमल को बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। तो जब कभी ये थोड़ा सा डीप में जाएगा, अंदर जाएगा तो बन सकता है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्रतीक चिन्ह रखा गया रोटी और कमल को,
और ये विद्रोह जो की जो तिथि होती है 21 मई होती है, लेकिन उस निश्चित तिथि के पहले ये विद्रोह फूट पड़ा 10 मई को। और ये विद्रोह होता है मेरठ छावनी में, कहाँ होता है मेरठ छावनी, मेरठ छावनी के जवानों ने जो मेरठ छावनी के जवानों ने इसके प्रयोग करने से, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग करने से इन लोगों ने मना कर दिया, और इसके कारण जो है अंग्रेज़ों ने लगभग 99 सिपाहियों को, 99 सिपाहियों की एक जो रेजिमेंट होती है इसको इन लोगों ने क्या किया कि ये पूरी तरह से इनको जो है भंग कर दिया। और इसी के बाद जो है मेरठ के जितने भी सारे भारतीय सैनिक थे उन सभी सैनिकों ने ये जो विद्रोह होता है ये 9 मई को होता है, लेकिन इसके एक दिन बाद अगले यानी 10 मई को जो है पूरी भारतीय सैनिक जो थे उन लोगों ने सम्मिलित रूप से जो है विद्रोह किया मेरठ में, और बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में? तो बख्त खां के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। और उसके बाद सीधे यहाँ से जाते हैं ये लोग दिल्ली में 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुँच जाते हैं, 11 मई को ये दिल्ली पहुँच जाते हैं। और दिल्ली पहुँचने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि दिल्ली में जाकर इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय जफर को अपना जो है अपना बादशाह घोषित कर दिया, और इनके नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। और 12 मई को जो है दिल्ली पर इन लोगों ने 12 मई को दिल्ली पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अब इनके अधिकार में आ गया 12 मई को। और उसके बाद जो है बहादुर शाह द्वितीय जफर ने अंग्रेज़ों से एक बार असफल प्रयास किया कि बातचीत से ये मामला सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद जब दिल्ली पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया, और दिल्ली में जो है इनके विद्रोह का जो दमन करता है निकलसन और हडसन होते हैं, निकलसन हडसन ठीक है, इन लोगों ने निकलसन मारा जाता है, हडसन इस विद्रोह का दमन किया। सितंबर 1857 में यहाँ के विद्रोह दिल्ली पर पुनः जो है अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। कब होते हैं? तो सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, जिससे इस संघर्ष में निकलसन मारा जाता है। और उसके बाद जो है इस विद्रोह का जो अगला प्रसार की बात करें, अभी इस विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ है, प्रसार है ना, विद्रोह का प्रसार कहाँ हुआ है, तो मेरठ में अगर बात करें तो मेरठ में इसका नेतृत्व किसने किया, तो मेरठ में हो जाएगा, आइए सबका लगे हाथ बता दें, पहला विद्रोह का जो प्रसार होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरठ कानपुर में नेतृत्व किसने किया, तो कानपुर में होते हैं नाना साहब, इनको एक और नाम से जाना जाता है धोदू पंत या नाना साहब, किस नाम से, तो धोदू पंत ठीक है, धोदू पंत नाना साहब, इन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया। और इनके सलाहकार कौन होते हैं, अजीमुल्ला और तात्या टोपे, ये दो इनके सलाहकार होते हैं। नाम आपसे पूछा जा सकता है, ये जानते रहिएगा कि नाना साहब के कौन कौन से सलाहकार होते हैं, तो नाना साहब के सलाहकार होते हैं अजीमुल्ला और तात्या टोपे जी, ये नाना साहब के सलाहकार होते हैं। और इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है, तो लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया है, किसने, लियाकत अली, इन्होंने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। आपसे ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे कि कहाँ किसने नेतृत्व किया, और उसके बाद बरेली में किसने नेतृत्व किया, बरेली में अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली में होते हैं कौन, खान बहादुर खां, इन्होंने बरेली में इसका नेतृत्व किया है। और लखनऊ में नेतृत्व किसने किया,
लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, बेगम हजरत महल। अपने चार वर्षीय बालक बिरजिश कादिर, इन्होंने अपने इस चार वर्षीय बालक बिरजिश कादिर के संरक्षण में यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया और हाथियों पर बैठकर इन्होंने अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन किया। बाद में जब ये पराजित हो जाती हैं तो पराजित होने के बाद ये नेपाल चली जाती हैं और नेपाल में ही बाल में इनकी मृत्यु होती है। नाना साहब भी जब पराजित हो जाते हैं तो नाना साहब ने कहा था कि ये भागकर नेपाल नाना साहब भी चले जाते हैं और नाना साहब ने भी कहा था कि मेरे शरीर में जब तक तलवार चलाने का साहस है तब तक मैं अंग्रेज़ों का मुकाबला करूँगा, मैं अंग्रेज़ों से कभी हार नहीं मानूँगा। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा विद्रोह को। इसमें से एक क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, वो ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा विद्रोही होता है जिसने नेपाल में शरण ली। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आप देखेंगे बेगम हजरत महल ने भी नेपाल में शरण लिया और नाना साहब ने भी, तो दोनों लोगों को जानते रहेगा, इन लोगों ने नेपाल में शरण लिया था। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व करती हैं रानी लक्ष्मीबाई। इनका विवाह झांसी के जो राजा होते हैं गंगाधर के साथ हुआ था और बाद में उनकी मृत्यु के बाद चूंकि झांसी की रानी की कोई संतान नहीं होती तो इन्होंने अपने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। तो दामोदर राव को इन्होंने ऐजे दामोदर राव के संरक्षण में ये यहाँ के शासन सत्ता को संभाला। बाद में अंग्रेजों ने झांसी को अपने साम्राज्य में मिला लिया, इसीलिए झांसी की रानी ने विद्रोह किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लक्ष्मीबाई ने झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस विद्रोह को दबाया किसने था, तो हिरोज, किसने जमाया था, हिरोज नामक गवर्नर होता है अंग्रेज, ये कहें तो सेनापति, इसी ने जो है यहाँ के विद्रोह को दबाया। और यहाँ के विद्रोह के बारे में हिरोज ने एक कथन कहा, उसने कहा कि यहाँ जो जितने भी सारे मरे पड़े हैं सैनिक, उनमें केवल एक मात्र अगर कोई मर्द है तो वो है लक्ष्मीबाई के बारे में इन्होंने ऐसा कथन कहा है। अगर पूछा जाए कथन के बारे में तो आप बता सकते हो ये कथन हिरोज ने किसके लिए कहा है, तो लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया। यहाँ जितने भी विद्रोही मरे पड़े हैं उसमें से अकेली मर्द कौन है, लक्ष्मीबाई। ठीक है, ऐसा कमेंट किया है, किसने किया है, हिरोज ने। और कानपुर के विद्रोह को किसने दबाया है, तो कैंपबेल ने। और लखनऊ के विद्रोह को किसने दबाया है, तो कैंपबेल ने। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। आइए अब आगे देखते हैं राजस्थान में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो जयदयाल हरदयाल ने। जयदयाल और हरदयाल ने राजस्थान में इस विद्रोह का नेतृत्व किया है जिसमें जयदयाल को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया जाता है। तो आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया था, तो जयदयाल को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया था। और मथुरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो मथुरा में विद्रोह का नेतृत्व किया है देवी सिंह ने। किसने किया है, तो देवी सिंह, इन्होंने मथुरा में विद्रोह का नेतृत्व किया है। और मेरठ में किसने किया है, मेरठ में कदम सिंह, इन्होंने मेरठ के विद्रोह का नेतृत्व किया है। ठीक है, और मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व मुगल राजघराने से संबंधित फिरोज शाह ने किया है। फिरोज शाह ये मुगल राजघराने से संबंधित होता है। ये सिविल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये जानते रहेगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आना 100% निश्चित है, ये मान के चलिएगा यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए, और बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया है बाबू कुंवर सिंह ने। बिहार कभी कभी बिहार में विद्रोह का केंद्र भी पूछ सकता है, तो बिहार में विद्रोह का केंद्र कौन कौन सा होता है, दानापुर होता है, पटना होता है, गया होता है,
तो ये जानते रहिएगा ये सारे विद्रोह के केंद्र होते हैं। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? कुंवर सिंह, जिनकी उम्र विद्रोह के समय इनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। और ये कहा गया कि इन्होंने एकमात्र अकेले ऐसे विद्रोही होते हैं, बाबू कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के विद्रोह में एकमात्र ऐसे विद्रोही होते हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों को कई सारे युद्धों में पराजित किया है। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि वो इन सारे विद्रोह 1857 की क्रांति के सारे विद्रोहियों में कौन सा ऐसा विद्रोही होता है जिसने अंग्रेजों को कई सारे युद्धों में पराजित किया, तो वो हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। और ये 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने विद्रोह किया। एक बार इनके बारे में ये कहा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह को एक बार इनकी बाह में गोली लग जाती है, और इनकी बाह में जब गोली लग जाती है उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी बाह को इन्होंने काट कर गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो ये इनकी बहादुरी का परिचायक है। तो ये जानते रहिएगा, इन सभी विद्रोहों से जरूर 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस विद्रोह का क्या प्रभाव रहा? जहाँ तक 1857 की क्रांति के विद्रोह के प्रभाव की बात की जाए, प्रभाव या परिणाम, इसके क्या परिणाम रहे? परिणाम क्या, ऐसा कौन सा 1857 की क्रांति के वो परिणाम रहे? तो आइए हम परिणाम के बारे में चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति परिणाम की बात करते हैं, आगे आइए देखते हैं परिणाम 1857 की क्रांति के वो परिणाम क्या रहे। परिणाम से पहले देखें कि इसकी असफलता के वो कारण कौन से थे, थोड़ा सा असफलता को देखते हैं फिर परिणाम पे चलते हैं। असफलता के 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या रहे? तो 1857 की क्रांति के असफलता के कई सारे कारण रहे। ये कहा जाए कि अधिकांश भारतीय जनता ने इस विद्रोह में जो है विद्रोह में भाग नहीं लिया। बहुत से पढ़े लिखे विद्वान वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया। कई सारे जमींदार, उन लोगों ने भी इस 1857 की क्रांति में भागीदारी नहीं ली। और बल्कि उन लोगों ने तो अंग्रेजों के लिए प्रार्थना भी की कि ये 1857 की क्रांति में विद्रोही सफल ना होने पाए। और सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, कश्मीर, नेपाल, जिंद, मद्रास आदि के क्षेत्रों में जमींदार और यहाँ के जो भी सारे लोग थे इन लोगों ने विद्रोह में जो है भारतीयों का साथ नहीं दिया, भारतीय विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि अगर इस 1857 की क्रांति में सिंधिया भी इन विद्रोहियों के साथ हो जाता तो कल ही हमको अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से जाना होता है। तो ये कमेंट के बारे में अगर पूछा जाए किसके लिए कहा गया है और किसने कहा है, तो सिंधिया के लिए कहा है। किसने कहा? तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा। किसने कहा? कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग जिसने कहा ऐसा कमेंट किया। और अधिकांश जो है ये कहें कि इस 1857 की क्रांति में जो है दक्षिण भारत पूरी तरह से अछूता रहा, दक्षिण भारत में इस विद्रोह का प्रसार नहीं हो पाता और योग्य नेतृत्व का अभाव था, वो भी इस विद्रोह के असफलता का एक कारण होता है। कोई भी योग्य नेता इसमें से ऐसा नहीं निकला जो इन सभी को संगठित कर पाए। इनका कोई निश्चित उद्देश्य भी नहीं होता, विद्रोह के बाद इनका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि हमको क्या कैसे करना हो, ये भी इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। ये भी असफलता का एक कारण होता है। और पढ़े लिखे विद्वान वर्ग के लोगों ने भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया, जमींदारों ने सपोर्ट नहीं किया। ये कुल मिलाकर इन सभी कारणों के कारण ही ये जो 1857 की क्रांति होती है और इसी के कारण जो है ये पूरी तरह कैसा रहा, असफल हो गया। और इसके परिणाम क्या हुए? तो इसके परिणाम की बात करें कि 1857 की क्रांति के वो परिणाम क्या हुए, तो 1857 की क्रांति का परिणाम ये होता है कि इसी समय 1858 का एक एक्ट आता है, 1858 का शासन अधिनियम 1800 का 58 का आता है अधिनियम, ये 1858 का अधिनियम आता है। और ये 1858 का जो घोषणा पत्र होता है इसको 1858 का घोषणा पत्र कहते हैं।
किसके समय में आया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है कैनिंग। और ये घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया है? तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद में ये 1858 का घोषणा पत्र पढ़ा है। किसने पढ़ा है? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा है। किसने पढ़ा है? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? इलाहाबाद के लॉर्ड मिंटो पार्क में। कहाँ पढ़ा है? तो मिंटो पार्क, ये इलाहाबाद में है। तो मिंटो पार्क में ये घोषणा पत्र पढ़ा गया। और इस घोषणा पत्र के में ये प्रावधान किया गया कि कंपनी का जो शासन था, इससे पहले हमने देखा कि जब 1857 की क्रांति हुई तो इस 1857 की क्रांति के समय कंपनी का शासन होता है, और क्रांति के बाद जो है कंपनी के हाथों से शासन सत्ता छीन ली जाती है, और अब एक ब्रिटिश क्राउन छीन कर किसके हाथों में सौंप दिया जाता है? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है। और 15 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। कितने सदस्यों का? 15 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। और उस बोर्ड में जो है अब भारत का शासन कार्यभार इनके हाथों में सौंप दिया जाता है, यानी कंपनी का जो शासन होता है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। और उसकी जगह शासन भार किसे सौंपा गया? तो ब्रिटिश क्राउन को, है ना। तो ये परिवर्तन हुआ। और क्या हुआ? और भारतीयों को गोद लेने का जो अभी इससे पहले 57 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, भारतीय रजवाड़ों को जो है गोद लेने का निषेध कर दिया गया था, अब उसे छूट कर दिया गया, अब भारतीय शासक गोद ले सकते हैं, ठीक है। ये परिणाम हुआ, ठीक है। और उनके आंतरिक मामलों में अब हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये आंतरिक मामले कहें तो इनके सामाजिक, जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी नियम कानून थे, अब उसमें किसी प्रकार का, जैसे सती प्रथा, इससे पहले देखा गया सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, आदि जाति प्रथा, तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसमें अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया था। और उसके बाद जो है 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने अब जो है इनकी सामाजिक प्रथाएं जितनी थी, अब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते अंग्रेज, ठीक है। तो ये सारे जो 1857 की क्रांति के परिणाम रहे। और अब आगे देखते हैं, ये 1857 की क्रांति से ये सारे विभिन्न जो क्वेश्चन अब इससे बनेंगे, जो पूछे जाएंगे, उसके बारे में दो चार क्वेश्चनों पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके परिणाम के बारे में, इसकी असफलता के बारे में, कारण कौन से रहे, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा ये है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको हमने छोड़ा था, तो ये जानते रहिएगा जब भी आपसे पूछा जाए कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। तो ये 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ठीक है। और अब इससे जो चार छह क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ प्रैक्टिस कर लिया जाए जिससे पूछा जाएगा। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के बारे में पहली बार विचार किसने दिया? तो ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने, असबाबे बगावत हिंद में। किस में दिया? असबाबे बगावत हिंद में। दूसरे भारतीय कौन है? तो बी डी सावरकर महोदय। किसने पहली बार इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा? किस भारतीय ने? अगर ऐसा पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। पहले भारतीय होते हैं बी डी सावरकर जिसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संघर्ष कहा। और किस अंग्रेज ने इसको 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संघर्ष कहा? ऐसा अगर पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा डिजरेली, बेंजामिन डिजरेली। इसने जो है 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। और उसके बाद 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होता है? ऐसा अगर पूछा जाता है तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामिस्टर्न होता है। और उस समय ब्रिटिश का मुख्य सेनापति किसे बनाया जाता है? तो ब्रिटिश का मुख्य सेनापति एनिसन होता है, ठीक है। और 1857 की क्रांति के बाद मुख्य सेनापति किसे बनाया जाता है? जब क्रांति होती है उसके बाद, अंतर है, दोनों जानते रहिएगा। तो उस समय कैम्बेल को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? कैम्बेल को बनाया जाता है। ये अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या होता है, ऐसा अगर पूछा जाता है तो 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण होता है वो चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। चर्बी लगे कारतूस में किसका प्रयोग किया जाता था, गाय और सुअर की चर्बी का। किसका, गाय और सुअर की चर्बी का। पहली बार जानकारी कहाँ होती है, किस कहाँ जानकारी इसको पहली बार 1857 की क्रांति की जानकारी कहाँ होती है, तो दमदम को होती है। दमदम सैनिक छावनी को पहली बार इसके बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ ये कहाँ कहाँ बनाया जाता था ये चर्बी लगे कारतूस, तो दमदम में बनाया जाता था, सियालकोट और अम्बाला में बनाया जाता था। तीनों जानते रहिएगा, कभी पूछा जा सकता है। और ये चर्बी लगे कारतूस को बनाने का ठेका किसे दिया गया था, तो गंगाधर बनर्जी एंड कंपनी को दिया गया था। किसको, तो गंगाधर बनर्जी एंड कंपनी को ये चर्बी लगे कारतूस को बनाने का ठेका दिया गया था। और अब आइए देखते हैं इसके प्रसार के बारे में, कहाँ कहाँ इसका प्रसार था। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का कानपुर में नेतृत्व किसने किया, तो कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब। नाना साहब के सहयोगी कौन होते हैं, तात्या टोपे और अजीमुल्ला नाना साहब के सहयोगी होते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, ये कहें कि तात्या टोपे का एक और कौन सा नाम था, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम या तात्या टोपे का एक और कौन सा नाम था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे की मृत्यु कैसे होती है, तो फांसी से होती है। इनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी, किसने धोखा दिया था तात्या टोपे को पकड़वाने में, किसने अंग्रेजों की मदद करी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मान सिंह ने तात्या टोपे को पकड़वाने में मदद की थी। अगला, बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बरेली में खान बहादुर खान ने किया है। और बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया है। बिहार में वो कौन सा स्थान होता है जहां इस क्रांति 1857 की क्रांति हुई, अगर ऐसा पूछा जाता है तो जमशेदपुर, 1857 की क्रांति का क्षेत्र होता है जमशेदपुर। मान लीजिए ऑप्शन में नहीं होगा तो पटना होगा, पटना नहीं होगा तो गया होगा, ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है, नहीं होगा तो दानापुर होगा, ये ऑप्शन में रहेंगे, तीन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये जानते रहिएगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किया है लियाकत अली ने। किसने किया है, तो लियाकत अली ने इलाहाबाद में। और लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। किसको, किसके संरक्षण में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो बिरजिस कादिर, उनके 4 वर्षीय बालक बिरजिस कादिर के संरक्षण में इन्होंने लखनऊ में विद्रोह किया था। अगर पूछा जाएगा तो बता सकते हैं लखनऊ के विद्रोह का। आगे देखते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जयदयाल और हरदयाल ने। किसको, तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया गया था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो गया जयदयाल, जयदयाल को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया जाता है। मंदसौर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो मंदसौर में मुगल राजघराने से संबंधित फिरोज शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। मथुरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो मथुरा में देवी सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और मेरठ में किसने किया, तो मेरठ में कदम सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जहां 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आएगा। और इसकी असफलता के कौन से कारण थे, तो असफलता के कारण क्या थे, पढ़े लिखे विद्वान वर्ग का विद्रोहियों के साथ न होना इसकी असफलता का कारण होता है। और सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ जैसे राजाओं का भारतीय राजाओं का अंग्रेजों को साथ देना इस क्रांति की असफलता के कारण होते हैं। और पूरी तरह से इसका प्रसार भारतीय क्षेत्रों में नहीं हो पाता, योग्य नेतृत्व का अभाव होता है, संगठन का अभाव होता है, ठीक है, निश्चित तिथि का अभाव होता है। तो ये सारे ऐसे कारण रहे हैं जिसको जो है 1857 की क्रांति की असफलता के ये कारण हैं। तो जब भी अगर इससे संबंधित ये क्वेश्चन सारे आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं, तो ये सभी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1857 की क्रांति से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
और यहाँ से 100% कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो जितने भी हमने सारे क्वेश्चन पे चर्चा करी, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जो है देख लीजिएगा और रिवीजन करिएगा, क्लास नोट्स बना लीजिएगा। जब ये हम आपको बताते रहे तो आप कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, ताकि सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए ये जो हमारा ये आज का जो चैप्टर रहा, इसमें इतने सारे क्वेश्चन जितने हमने बताए, इससे बाहर क्वेश्चन आने नहीं हैं, आप अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिए। ये क्वेश्चन और बहुत अच्छा है कि सती प्रथा पर बैन कब लगाया गया, तो 1829 में। किसने लगाया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया है। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, तो जानते रहिएगा। तो आज के लिए हमारा ये आज के लिए जो हमने इसके बारे में चर्चा करी 1857 की क्रांति में, बस इतना ही। धन्यवाद।